मैंने इतनी मेहनत की है इतना परफॉर्म किया हुआ है काउंटी क्रिकेट में भी परफॉर्म करके हैं तो थोड़ा बहुत एज ए प्रोफेशनल एज ए ह्यूमन बींग माइंड में तो आता है हारिस को टी खेल के आ रहा था वो प्रॉब्लम्स आई नसीम शाह को आई ज़्यादा स्टिफनेस आपको इंजरी में कन्वर्ट कर, कर देती है और उसके बाद अब टीम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जो भी फास्ट बॉलर्स हैं उनको अपना भी ख्याल करना पड़ेगा कि मेरी इस टाइम सिचुएशन क्या है शेयर करें डरना नहीं चाहिए अपने लिए भी नुकसानदेह होता है फिटनेस प्रॉब्लम्स हो जाती टीम के लिए भी नुकसानदेह होती हैं बिल्कुल होता है थोड़ा बहुत क्यों नहीं होता है एज ए प्रोफेशनल आपको थोड़ा सा फील होता है कि जो मेरे हाथ में है मैंने इतनी मेहनत की है इतना परफॉर्म किया हुआ है तो सीज़न में भी मैं काउंटी क्रिकेट में भी परफॉर्म करके आया हैं उसके बाद आके डोमेस्टिक क्रिकेट में स्ट्रेट वे आके खेला उसमें भी मैंने परफॉर्मेंस की तो थोड़ा बहुत एज़ ए प्रोफेशनल एज ए ह्यूमन बीइंग माइंड में तो आता है एज ए फास्ट बॉलर आपको पाकिस्तान में खेल के काफ़ी मुश्किल होता है विकेट लेना लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको कोई ना कोई हल निकालना होता है उसकी रीज़न ये है कि आप देखें कि हमारे जितने भी आ, क्रिकेटर्स हैं ज़्यादातर टी ट्वेंटी क्रिकेट खेल के आ रहे थे तो जब टी ट्वेंटी जब थोड़ी क्रिकेट छोटे थोड़े ओवर्स करके आप बड़ी क्रिकेट में आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं और वो हुई हमने देखा फ़िटनेस प्रॉब्लम भी हमें आई कि जैसे हारिस को जो टी ट्वेंटी खेल के आ रहा था उसको प्रॉब्लम्स आई नसीम शाह को आई तो जब आप लॉन्ग फॉर्मेट ज़्यादा नहीं खेलेंगे आ, तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और जब आप लॉन्ग फॉर्मेट ज़्यादा खेलेंगे तो उसके बाद आप अगर शॉर्ट फॉर्मेट में आएंगे तो वो क्रिकेट इजी होगी और लड़कों को और मेरा ख्याल है कि पूरी एक मैनेजमेंट पूरी टीम को ये देखना चाहिए कि क्योंकि आजकल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है टी ट्वेंटी डेज और टेस्ट क्रिकेट उसके बाद लीग्स क्रिकेट हैं काउंटी क्रिकेट है तो लोड वर्क वो सारा लुक आफ्टर भी कर रहे हैं लेकिन ये है कि बंदों को देख के अपना जो है ना देखना पड़ेगा और अगर टेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी तो मेरे ख्याल से उनको अब हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलनी पड़ेगी जब जब आपको एक्सपीरियंस होगा और उसके बाद फिर आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं फास्ट बोलर्स को और जो भी मेडिकल टीम है उसको बड़ी uh, जो है ना टेक केयर करनी पड़ेगी और uh, जो भी फास्ट बॉलर्स हैं उनको अपना भी ख्याल करना पड़ेगा कि मेरी इस टाइम सिचुएशन क्या है शेयर करें डरना नहीं चाहिए हम लोग एज ए प्रोफेशनल एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर थोड़ा सा ये थोड़ा सा हिचकिचाते हैं के अपनी फिटनेस के बारे में थोड़ी बहुत है तो हम कहते हैं हमारा मुल्क है मुल्क के लिए या अपने लिए हम ठीक है हम मैच गुजारा कर लेंगे लेकिन वो फिर अपने लिए भी नुकसानदेह होता है फ़िटनेस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्योंकि लोड ओवरलोड हो जाता है बंदा और फिर टीम के लिए भी नुकसानदेह होती हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है बंदों को बिल्कुल करना पड़ेगा ये बहुत ज़रूरी है और, और ये का आपकी छोटी सी गलती जो है ना आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्टिफनेस जो है ना ज़्यादा स्टिफनेस आपको इंजरी में कन्वर्ट कर, कर देती है और उसके बाद अब टीम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हाँ मैंने टेस्ट मैचेस देखे हैं तो पिचेस स्पेशली पिंडी वाली काफ़ी फ्लैट थी लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा आ, कुछ लड़के खेल के जो आ, इंजरी का शिकार हुए मेरी एन में बात हुई उनके साथ तो, तो वो भी ये कह रहे थे कि फ़ास्ट बॉलर्स के लिए कम था कुछ नहीं था लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है आपने उसकी मार खाई हुई है स पचास मैचेस खेले हुए हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं अब देखें दूसरी तरफ से एंडरसन और रॉबिनसन और सारे लड़के खेल रहे थे वो भी उनको भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा था लेकिन उसमें ये है कि आपको मिलके एज ए प्रोफेशनल आपको एक पार्टनरशिप के तौर पे बॉलिंग करनी पड़ती है किसी टाइम किसी का रोल कुछ होता है किसी टाइम किसी का रोल कुछ होता है जैसे हम मेरा ख्याल है हम दुबई में खेलते थे तो हम स्पेशली सेकेंड इनिंग में अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम क्रॉस द सीम बॉल करते थे क्रॉस द सीम दो चार पाँच ओवर्स करके फिर हमें रिवर्स मिलता था विकटों में बॉलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है और एज ए वही आ जाता है कि आपको उसके लिए डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी तो डोमेस्टिक खेलेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट आपके लिए हो जाएगी अगर नहीं अगर आप चार ओवर्स करेंगे आ, चार ओवर्स करके तो आपको दिन में पंद्रह से बीस ओवर्स करने पड़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी हर टाइम में अच्छे से अच्छा फास्ट बॉलर आता रहा लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो मट्टी है बहुत जरहेज़ है आ, टाइम टू टाइम जो है ना इधर भी फास्ट बॉलर बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है उनको फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है बस जी बिल्कुल थोड़ा काउंटी क्रिकेट काफ़ी लंबा सीज़न हुआ हुआ है खेला हुआ हूँ हु, काफ़ी लंबा सीज़न आलमोस्ट अट्ठारह फोर डे गेम्स क्योंकि बारह मैचज़ में काउंटी में खेल के आया था तो अलहदिल्ला उधर भी पचास आउट किए और उसके बाद कादम ट्रॉफी में पाँच से छः मैचज़ अनफॉर्चुनेटली लास्ट दो मैचज़ तो वेदर की वजह से बारिश की वजह से अब्टबाद में हुए नहीं आ, लेकिन जो भी मैचेस खेला था उसमें अलहमदिल्ला उसमें भी दो फाइफर हैं मेरे तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर पूरा सीज़न में अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा और अभी मौका मिला बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का फैमिली के साथ और उसके बाद क्लब क्रिकेटर के साथ तो लाहौर में एक बच्चे बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट हो रहा है और हम हम लोग जो है ना बच्चों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ सिखाएँ और ख़ुद भी क्रिकेट के साथ जुड़े रहें अच्छा लगता है कि और हमारी जब मैं सियालकोट से लाहौर शिफ्ट हुआ तो अजहर भाई ने मुझे बोला कि अब्बास हम लोग हमारा प्लान है कि एक एकेडमी बनाएं तो मैंने कहा ठीक है अजहर भाई क्योंकि हम पाकिस्तान टीम से भी इकट्ठे खेले हैं और उसके बाद डोमेस्टिक टीम में एस एन जी पी एल से भी इकट्ठे खेले हैं तो मैंने कहा ठीक है मैं हम लोग इकट्ठे कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक्सपीरियंस है जो मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का और डोमेस्टिक क्रिकेट का और मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि अजहर भाई ने मुझे बोला और हम लोग मिल के हम अपना इलम ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं जी जी बिल्कुल मेरा नेक्स्ट दो साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हैम्पशेर के साथ सेम टीम के साथ और इस साल भी जाऊँगा इन और मेरी कोशिश होगी जो भी मेरी प्रीवियस परफार्मेंस हैं उनको मैं बीट करूं और अपने साथ ही मेरा मैच होता है किसी के साथ नहीं है कि जो जो पास में जो पहले जो मेरी परफार्मेंसेज हैं उनको मैं बीट करके तो अपने और ज़्यादा जो है ना परफॉर्मेंस करूं जो पहले था वो भी दो साल का था और अभी भी नेक्स्ट दो साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर काफ़ी उम्मीद तो थी लेकिन ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं जो मेरे हाथ में चीज़ें हैं वो मेहनत करना है परफॉर्म करना है तो वो मैं कर रहा था बाकी मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को भी जो बेहतर लगा उन्होंने लड़कों को चांस दिया तो उसमें मुझे रिग्रेट नहीं है लेकिन तो थोड़ा सा आता है कि जब एक बंदा आ, इतना परफॉर्म करता है तो टीम में भी जो है ना परफॉर्मेंस मेरी अलहमद अभी भी मेरी एवरेज और आ, सारा कुछ मैं उस पर सेटिस्फाइड हूँ लेकिन कोई बात नहीं मैं मुझे पहले भी अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा है और अभी भी मैं ओ, ओ, जब भी मुझे मौका मिलेगा और अभी भी मैं जो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत नवाजी है मैं उस पर खुश हूँ